बहन का तिलक चढ़ाकर लौट रहे बुलेरो गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। भाई समेत चार लोग हुए घायल। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बामनपुर गांव के पास का है, जहां सलोन थाना क्षेत्र से असाईपुर गांव निवासी ब्रजेश यादव अपनी बहन का तिलक लेकर भक्तिन के पुरवा थाना नसीराबाद गए हुए थे। तिलक चढ़ाकर सभी लौट रहे थे घर वापस, तभी अचानक बामनपुरवा मोड़ के पास अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेरो को टक्कर मार दी, जिससे बुलेरो सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां दो लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूरा मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। इस सेवन के लेवल वाजपेयी के साथ पवित्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम अमित कुमार तिवारी है, मैं सहीपुर का रहने वाला, थाना सलोन मेरा पड़ता है। मेरे पड़ोस के ब्रजेश यादव की बहन की तिलक थी, जहाँ भी बच्चे लोग तिलक चढ़ाने गए तो वापस आ रहे थे, मोड़ पे जैसे इन्होंने बुलोरो चढ़ा रहे थे वैसे ट्रक वाले ने आके बुलोरो पे साइड मारा। बच्चों ने उतर करके ट्रक वाले को हाथ देने लगे, रुक जाइए। उसने न रोकने के कारण इन लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गया। इसमें ब्रजेश और अनंत प्रकाश को दो लोगों के फ्रैक्चर हो गए पैर, बाकी दो लोगों को थोड़ा मामूली चोट आई सर, जिसमें चार लोग घायल हो चुके हैं। पकड़ा गया वो परसदेपुर चौकी ला गया सर, उसके बाद उसको थाने भेज दिया गया। डॉक्टर अतुल पांडे, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रागली। हाँ, दो लोग आए, ब्रजेश यादव और आनंद प्रकाश यादव, दोनों लोग का पैर टूटा है और उनको एडमिट किया गया।